हेलो दोस्तों, मैं सागर बिश्नोई एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीसीएम में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के तीन ऐसे ट्रिक्स के बारे में जो कि अभी अभी रोल आउट हुए हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए रियली में हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी फ्री है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, जो कि मैं हर महीने में 3-4 अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको एक बोनस ट्रिक भी देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो की सारी ट्रिक्स यूज करने के लिए आपके पास व्हाट्सएप का लेटेस्ट बीटा वर्जन होना चाहिए, जो कि है 2.1.8। हाल ही नवंबर में जो है रिलीज हुआ है, और जैसे जैसे दिसंबर में रिलीज होता रहेगा लेटेस्ट वर्जन, उसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती रहेंगी। अगर आप प्ले स्टोर पर बीटा वर्जन के लिए इनरोल कर चुके हैं तो आप वहां से सीधे प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप का लेटेस्ट बीटा वर्जन इंस्टॉल करके रखा है। कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बीटा वर्जन एक ऑफिशियल वर्जन होता है जो कि सभी यूजर्स के लिए रोल आउट करने से पहले कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाता है, ताकि उसको अच्छे से टेस्ट किया जा सके। तो ये है व्हाट्सएप बीटा। तो चलिए दोस्तों, अब ओपन कर लेते हैं व्हाट्सएप के लेटेस्ट वर्जन को। सबसे पहला फीचर इसमें ये है कि इन विंडो प्ले, यानी कि पिक्चर इन पिक्चर, ये कुछ इसका नाम दे रखा है व्हाट्सएप ने। इसमें होता यह है कि गाइस, जैसे भी कोई यूज़र आपके साथ YouTube वीडियो की लिंक शेयर करता है, तो उसके बाद आप सीधे उसे उसी ग्रुप के अंदर या फिर कहे तो उसी चैट विंडो के अंदर प्ले कर पाएंगे। जैसे कि ये लिंक मैंने अपने एजुकेशन न्यूज़ ग्रुप के 10वें ग्रुप के अंदर शेयर करी है, तो मैं इसे यहीं पे ही प्ले कर सकता हूँ। जैसे ही हम लोग यहाँ पे टैप करेंगे तो ये वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा। इवन आप इसे फुल स्क्रीन मोड में भी देख सकते हैं। तो गाइस, मेरा नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है तो मैं इसे देख नहीं सकता हूँ, अभी ये अभी प्ले नहीं हो सकता है। तो ये था पहला फीचर इन विंडो यूट्यूब वीडियोस प्ले करने का। ये फीचर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें आप वीडियो को देखते देखते चैट को भी पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले इंटरेस्टिंग से फीचर के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो गाइस, ये फीचर आज ही जो है रोल आउट हुआ है। उसमें हम लोग को मिलता क्या है कि जैसे ही कोई यूज़र किसी ग्रुप में मैसेज सेंड करता है, जो मैसेज आपको अच्छा ना लगा हो या फिर इवन कहें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो, तो उस मैसेज का आप प्राइवेटली में उसे रिप्ले दे सकते हैं। सिंपली इस ग्रुप का ये मैसेज मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं ऊपर के तीन डॉट्स पर क्लिक किए। तीन डॉट्स के क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिप्ले प्राइवेटली, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर पर्सन को उस पर्टिकुलर मैसेज के लिए रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी व्हाट्सएप की सेकंड ट्रिक, जिसमें आप किसी भी यूज़र को पर्टिकुलर मैसेज के लिए ग्रुप के थ्रू उस पर्टिकुलर मैसेज का प्राइवेटली में रिप्ले दे सकते हैं, यानी कि ये मैसेज आपको अच्छा लगा या फिर उस मैसेज के रिलेटेड कुछ जानकारी जो है आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं रिप्ले प्राइवेटली के ऑप्शन को सिलेक्ट करके। तो ये था व्हाट्सएप का सेकेंड फीचर, जो कि मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये फीचर्स अभी तक आपको अच्छे लगे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी फ्री है, क्योंकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग से फीचर या फिर कहें तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग से वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। अब बात करते हैं थर्ड फीचर की, जो कि इंटरेस्टिंग है अगर आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पर चैट करते हैं तो। तो गाइस, इसमें होता क्या है, सिंपली iOS पे ये फीचर पहले से अवेलेबल था, लेकिन व्हाट्सएप पर अभी अभी एंड्रॉयड व्हाट्सएप पर अभी अभी रोल आउट किया गया है। इसमें आप जो है सीधे राइट स्वाइप करने के बाद किसी भी पर्टिकुलर मैसेज का रिप्ले दे सकते हैं, जो कि इन ग्रुप ही होगा, प्राइवेटली में नहीं होगा, जैसे कि आप लोग हर बार करते हैं। पहले आप लोगों को करना क्या होता था, सिंपली उस मैसेज पर लॉन्ग टैप कीजिए और फिर ऊपर दिए गए राइट साइड वाले एरो पे क्लिक करके आप उस मैसेज का रिप्ले दिया करते थे, लेकिन अब सिंपली आपको उस मैसेज को पकड़ना है और फिर राइट स्वाइप करना है, उसके बाद आप उस मैसेज का रिप्ले दे सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट और ईजी हो गया है। तो यह था थर्ड ट्रिक, जिसे यूज़ करके आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैट को बना सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ और एडवांस ट्रिक की, जो कि आपने इस वीडियो को इतनी देर तक देखा उसके लिए मैंने आपके लिए बनाई है या फिर बताई है। तो गाइस, इसमें होता क्या है, इसमें आप किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप या भी चैट के अंदर इंटरेस्टिंग से स्टिकर्स भेज सकते हैं। सिंपली इमोजी वाले बटन पर टैप कीजिए और नीचे सिंपली स्टिकर पर टैप कीजिए, उसके बाद में आप ये सारे स्टिकर्स भेज सकते हैं। ये रहे, जैसे कि ये भेज दिया, ये भेज दिया, ये भेज दिया, तो ये सारे स्टिकर्स आपने ग्रुप के अंदर भेज दिए। सो पर्टिकुलरली मैं इन्हें सेंड नहीं करना चाहता, तो कोई नहीं, मैंने डेटा ऑफ कर दिया। लेकिन इस तरह के स्टिकर्स आप इस वर्जन के साथ भेज सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है, क्योंकि अभी तक सारे यूज़र्स के पास व्हाट्सएप का ये वर्ज़न नहीं अवेलेबल है। तो आप इन्हें भेज कर सबको जो है सरप्राइज कर सकते हैं। तो ये थे सार इंटरेस्टिंग से व्हाट्सएप से रिलेटेड लेटेस्ट ट्रिक्स
मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर रियली में ये ट्रिक्स आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर ऐसे और भी इंटरेस्टिंग से वीडियोस आपको देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो करना बिल्कुल भी फ्री है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको और भी ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।